दानिश सिद्दीकी के मौत पर तालिबान ने जताया दुख, कहा कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं। जी हां, अफगानिस्तान में हुई भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी के मौत पर तालिबान ने दुख जताया और कहा कि इस घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं है। सिद्दीकी के पार्थिव शरीर को स्थानीय समय अनुसार शाम करीब 5 बजे ICRC को सौंप दिया गया। कंधार ने स्पिन बोल्डक जिले में हुए झगड़ों के दौरान उनकी मौत हो गई थी। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि इसकी गोलीबारी में पत्रकार की मौत हुई। हम नहीं जानते उनकी मौत कैसे हुई। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर रहे किसी भी पत्रकार को हमें सूचित करना चाहिए, हम उस व्यक्ति का खास ध्यान रखेंगे। सिद्दीकी के मौत पर दुख जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि हमें भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी के मौत के लिए खेद है। साथ ही मुजाहिद ने बताया कि हमें दुख है कि पत्रकार बगैर हमें जानकारी दिए युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। पुलिंजर पुरस्कार विजेता फोटो पत्रकार सिद्दीकी समाचार एजेंसी राइटर्स के साथ काम करते हैं। वे प्रांत में जारी हालात को कवर कर रहे थे। यहां तालिबान ने पाकिस्तान में लगी प्रमुख सीमा पर कब्जा कर लिया है। वेल, आपको ये अपडेट कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें। देखते रहिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।